वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक काफी बड़े सपने के बारे में जो अब हमें पूरा होते हुए दिखाई देने वाला है, और काफी बड़े ड्रीम के बारे में जो मैंने बहुत साल पहले देखा था वो अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हम सभी फैंस ने देखा था वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इंसिडेंट क्या देखने को मिला है भाई, उसके बारे में बात ही करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आप WWE से लेटेस्ट बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को जितनी भी चाहिए सब यहां पर इस चैनल पर 24/7 आप लोग को मिलती रहेगी। इसलिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो द रॉक द पीपल्स एंड द ब्रह्मा बुल का रिटर्न देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉक के अंदर। उससे पहले हमें यहां पर जिंदर मल देखने को मिलते हैं, मतलब द रॉक और जिंदर मल का सेगमेंट देखने को मिलता है जब जहां पर द रॉक अटैक करके जिंदर मल को हटा देते हैं। फिर इसके बाद हमें द रॉक की तरफ से एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते हैं। द रॉक वो प्रोमो जैसे ही कट करते हैं ना, लिटरली लगा कि भाई ये सपना है, और जो सपना अब हमें पूरा होते हुए दिखाई दे चुका है, रियलिटी में बदल चुका है। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस होने वाला है, क्योंकि यहां पर द रॉक कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब मैं एरिना को छोड़ने के बाद यहां पर हो सके तो बार में जाऊंगा, या तो कहीं और जाऊंगा, या तो मैं बैठूंगा हेड ऑफ द टेबल पे। यस, हेड ऑफ द टेबल ये नाम लेते हुए दिखाई देते हैं, हेड ऑफ द टेबल कहते हुए दिखाई देते हैं। और डायरेक्टली यहां पर रोमन रेंस को लेकर यह टारगेट था, और द रॉक ने यहां पर आके रॉक के अंदर रिटर्न करके रोमन रेंस को टारगेट किया है। इससे बड़ी चीज आप लोग को क्या चाहिए? रेसलमेनिया 40 फाइनली ड्रीम इज कम ट्रू एंड द रॉक वर्सेस रोमन रेंस हमें अब देखने को मिलेगा। और ये जो कि भाई साहब मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। इससे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे WWE को देखते पहले कभी नहीं हुई भाई। द रॉक वर्सेस रोमन देखने को मिलने वाला है। इसको ऊपर आपके रिएक्शंस क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैलेंज पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।